हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी, आज हम बनाने वाले हैं टिंडे की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो टिंडे छील लिए हैं और उनको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। और इसके लिए मुझे जो सामग्री चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक प्याज बारीक चॉप कर लिया है और टमाटर और हरी मिर्च, एक टमाटर और एक हरी मिर्च को मैं ग्राइंड करूँगी मिनी चॉपर में। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस जो है मेरी हाई फ्लेम पे है। तो यहाँ पे मैं आधी करछी मस्टर्ड ऑयल डालूँगी और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैं कुछ 1/4 टीस्पून डालूँगी राई दाना। तो जैसे ही हमारा राई दाना अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। तो इसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, सॉल्ट स्वाद अनुसार डालेंगे और आधा चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम धनिया जीरा पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे, सौटे करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो अच्छे से भून चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम जो हमने बारीक कटे हुए हैं टिंडे उनको हम डाल देंगे और इसे अच्छे से सौटे करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो टिंडे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर टिंडों को अच्छे से सौटे करने के बाद हम यहाँ पे लिड लगा देंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि हमारी जो गैस है यहाँ पे हाई फ्लेम पे है, तो यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे और करीब 2 मिनट तक हम टिंडों को हाई फ्लेम पे, हाई गैस पे इसी तरह से पकाएंगे ढककर करीब सिर्फ 2 मिनट तक। कि हमारे 2 मिनट हो चुके हैं तो इस स्टेज पर हम गैस को सिम पे करेंगे और लिड ओपन करके चेक करेंगे हमारे टिंडे किस तरह से हैं और इन्हें फिर से अच्छे से हम फिर से सॉटे करेंगे। ढक्कन पर जो भी स्टीम का पानी लगा रहता है उसे हम सब्ज़ी में ही डालते रहेंगे ताकि सब्ज़ी जो है हमारी अच्छी बने और वो बिल्कुल भी सूखी ना हो, क्योंकि पानी हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे। तो इसलिए हमें स्टीम भाप का पानी जो ढक्कन पर लगा हो उसे साथ के साथ डालते रहना है। तो यहाँ पर जो हमने टमाटर बारीक चॉप किए हुए थे मिनी चॉपर में, उसको हम यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है वो एटलीस्ट 80% वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हमें टमाटर डाल देनी है ताकि टमाटर जो है अच्छे से वो भी सब्ज़ी में मिक्स हो जाए और हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी रसमी सी बने, बिल्कुल भी सूखी ना बने। तो यहाँ पर हमने टमाटर डाल दिया और इसे अच्छे से सॉटे कर दिया और फिर से हम इसका लिड वापस लगा देंगे और यहाँ पर जो गैस है हमारी बिल्कुल सिम पे ही रहेगी। तो यहाँ पर 2 मिनट होने के बाद हम फिर से लिड ओपन करेंगे और जो भी लिड पे, ढक्कन पे स्टीम का पानी लगा होता है उसे हम सब्ज़ी में ही डालते रहेंगे। हम सब्ज़ी को फिर से सोटे करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी सब्ज़ी कितनी पक चुकी है। इसे हम इस तरह से, आप देख सकते हैं कि मैं टिंडों को किस तरह से काट रही हूँ करछी की हेल्प से। तो यहाँ पर जो हमारे टमाटर है वो भी अच्छे से सब्ज़ी में काफ़ी अच्छे से घुल चुके हैं, मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी कंडीशन सब्ज़ी की कैसी है, काफ़ी अच्छी बन चुकी है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी गैस को तेज़ कर देते हैं और तुरंत गैस फिर हम बंद कर देंगे और करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है और ये देखने में और खाने में भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।